और इस वक्त महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर मिल रही है। शाहपुर में पुल से नीचे मशीन गिरने से हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि समृद्धि महामार्ग के काम के दौरान ब्रिज को जोड़ने वाली मशीन करीब 200 फीट ऊपर से नीचे गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त 23 मजदूर काम कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। लेकिन यह दर्दनाक हादसा है, इसमें 17 मजदूरों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के ठाणे से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो क्रेन के गिरने से हादसा होता है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, मुआवजे का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी जो एनडीआरएफ की टीम मौजूद है कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। दरअसल शाहपुर में क्रेन गिरने से ये हादसा हुआ, उस वक्त कई मजदूर काम कर रहे थे जो इसके नीचे दब गए क्रेन के नीचे और 17 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए ओवरलोडिंग की वजह से क्रेन के गिरने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको बता दें कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी दिवाकर के पास। दिवाकर, इस वक्त इस खबर को लेकर क्या और अपडेट आपके पास? देखिए मैं इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हूं और यहां पर आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। ये हादसा इतना बड़ा क्यों हुआ? दरअसल इतने बड़े गर्डर की लॉन्चिंग बीती रात करीब 11:30 बजे के आसपास क्रेन के जरिए की जा रही थी, लेकिन इतने ऊपर कितना ऊपर ये गर्डर लॉन्चिंग हो रही थी, आप देखिए कितना ऊपर ये गर्डर लॉन्चिंग हो रही थी और वहां पर हाई टेंशन तार हैं। और स्थानीय लोग जो स्थानीय विधायक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो क्रेन के जरिए लॉन्चिंग हो रही थी वो क्रेन जो है सीधा उस वायर से जाके टच हुई और एक शॉक वहां ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद पूरा का पूरा जो गर्डर है वो नीचे आ गिरा। और इस गर्डर की आप तस्वीरें देखेंगी तो पूरा ये गर्डर जो लंबा चौड़ा गर्डर है वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। अब इसको काट कर हटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है क्योंकि इसके नीचे माना यह जा रहा है कि 3 और मजदूर दबे हो सकते हैं, आशंका ऐसी है। तो ऐसे में ये गर्डर जब तक नहीं हटेगा तब तक एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ है दोनों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि अब यहां पर इस लोहे के गर्डर को काटने की पूरी कोशिश की जा रही है, काट कर इसको हटाया जाएगा और उसके बाद फिर जो मलबा है आप देख सकती हैं क्योंकि इस गर्डर के नीचे जो सीमेंट वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से दबा हुआ है। और आशंका ऐसी है कि इसके नीचे वो जो 3 मजदूर होने की आशंका जताई जा रही है वो इसके नीचे दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी शेयर की गई है, उसके मुताबिक अब तक इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 जो है गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, 3 को यहां से जिंदा निकाला गया है और 3 और लोग इसमें दबे होने की जो बात कही जा रही है, यानी कुल 25 से 26 लोग कल रात को यहां पर काम कर रहे थे। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो क्यों मुश्किल हो रहा है एनडीआरएफ के लिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना, क्योंकि ये पूरा जो हिस्सा है ये गर्डर के नीचे दबा हुआ है और उसके नीचे वो सीमेंट वाला हिस्सा है जो गर्डर लॉन्चिंग की जा रही थी, जिस दौरान जब ये गर्डर गिरा उसके बाद जो नीचे मजदूर काम कर रहे थे वो मजदूर उसके नीचे दबे और ये बड़ा हादसा इसलिए हो गया क्योंकि ये 200 फीट के ऊपर से ये गर्डर पूरा गिरा, जो क्रेन का हिस्सा है वो पूरी तरह से गिरा, जिसके चलते वो मजदूर उसकी चपेट में आए और चपेट में आने के चलते ही ये बड़ा हादसा हुआ है, 17 लोगों की मौत, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रात में दर्दनाक हादसा आप बता रहे हैं, कुछ लोग और फंसे हो सकते हैं, मजदूर फंसे हो सकते हैं। इस वक्त रेस्क्यू के लिए कितनी टीमें जुटी हुई हैं और कितना वक्त और लग सकता है? देखिए इस वक्त एनडीआरएफ की 2 टीमें और उन 2 टीमों में करीब 25 जवान हैं जिनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें सुबह 5 बजे से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं और इसके अलावा जो लोकल रेस्क्यू एजेंसी होती है एसडीआरएफ स्टेट की वो लगातार इस स्पॉट पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन स्पॉट ही बेहद ही आप देखेंगी तो यहाँ पर काफी ज्यादा कीचड़ है और यहाँ पर चलना मुश्किल है, इसलिए काम में दिक्कतें भी आ रही क्योंकि रुक रुक कर यहाँ पर बारिश भी हो रही है। दूसरी तरफ की मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखें यहाँ पर एनडीआरएफ के लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटे हुए हैं, एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो भी उनके साथ यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटे हुए हैं क्योंकि ये एरिया जो है, क्योंकि ये खुटाड़ी गांव है, खुटाड़ी गांव के पास जो है शाहपुर में ये हादसा हुआ है। सामने ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार किया जा रहा है क्योंकि 3 और लोगों के अभी भी इसके अंदर दबे होने की जो आशंका जताई जा रही है, स्थानीय प्रशासन ने 3 लोगों के दबे होने की जानकारी एनडीआरएफ को दी है। वही वजह है कि जब ये पूरा गर्डर हटेगा, अभी तस्वीरें से समझ सकती हैं कि हादसा कितना खतरनाक था, ये मंजर जो बता रहा है कि किस तरह से एक बेहद ही भारी भरकम जो ये गर्डर था किस तरह से वो 200 फीट के नीचे से ऊपर से नीचे गिरा और फिर इसके नीचे जो मजदूर काम कर रहे थे उसकी चपेट में
जाए। सामने रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पर बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल दिवाकर, तस्वीरों के जरिए हम समझ पा रहे हैं कि यह हादसा कितना भयावह था। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।